तो गेट बंद होने वाला है आगे वाला, तो जल्दी से हम लोग दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं और ये मम्मी पीछे रह गया है आराम से। ये धीरे से चलिएगा, डर लग रहा है। बहुत जगह है यहाँ, बहुत जगह है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, और एक रिक्शा में हम लोग चार लोग बैठे हैं, 50 रुपये पर सवारी। भाई साहब ऐसा प्राइस तो टैक्सी का भी नहीं होता होगा इतनी दूरी का। राधे राधे हम लोग जी बांके बिहारी मंदिर के जो है करीब पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लगता है कि पैदल चलने लायक भी जगह नहीं होगा। ये बालक जो लटक गया है पीछे। तो हमने जी नया टी शर्ट पहन लिया है यहाँ पर, तो ताकि नए मंदिर जा रहे हैं तो नया टी शर्ट अपना ले लें। तो यहाँ मोलू खरीदा था अपने लिए, लेकिन अब जो है जीजा जी को उपयोग में आ रहा है। तो यहाँ पर है एक जूता घर, तो यहाँ पर जूता रख लिया जाए सबसे पहले, फिर चलेंगे मंदिर। हमने माइक लाया था, सोचे थे कि यह जो भीड़ होगा इस भीड़ के बीच से जो है आवाज़ ताकि हमारा क्लियर रहे, ताकि जो भी बात कर रहे हैं आपको सुनाई दे, लेकिन हमारा वो माइक जो है लगता है चार्ज नहीं है तो काम नहीं किया। तो हम लोग चल रहे हैं जी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। 8:30 बजे के करीब आरती होती है, हम वही आरती देखने जा रहे हैं। यहाँ पर पूरे रास्ते में जो है देख रहे हैं लस्सी और इन सब का जो है दुकान सब बहुत ज़्यादा है। क्या ये दिखा रही है अपना फूल, वो हम पहले ही देख लिए थे। यहाँ रुद्राक्ष और ये माला सब का पूरा दुकान है भरा हुआ, कुछ उठा लेंगे। हाँ क्रियांश के लिए ले लेना है, लड्डू गोपाल के लिए भी लेना है। ओके, हमको लगा क्रियांश को बोल रही है लड्डू गोपाल। जो सुगंध आ रही है पूछिए मत जी, एकदम घी की खुशबू, बस आते ही धावा बोल जाना है। धावा बोल जाना है। यहाँ पर सुनिए कि सर घी का ही सर आइटम होता है, बस सब ट्राई कर लेना, एक भी नहीं छोड़ना। तो हम लोग पहुँच गए हैं बांके बिहारी मंदिर के अंदर। तो हम लोग पहुंच गए जी मंदिर के अंदर, और जैसे ही मंदिर के अंदर आए तो देखा कि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा थी, तो हमें तो काफी अच्छा लग रहा था कि हम लोग चलिए मंदिर के अंदर पहुंच गए, लेकिन चिंता हो रही थी अपने बेटे क्रियांश को लेकर के। जी हाँ, क्रियांश को देख करके लग रहा था कि वह भीड़ को देख करके जो है परेशान ना हो जाए, रोने ना लगे, लेकिन भगवान की दया थी कि क्रियांश जो है आराम से खेल रहा था और खूब मजे कर रहा था। और धन्यवाद कहना चाहेंगे जी हमारे साली साहब मौलू का, जिसने उसे जो है कंधे पर रख रखा था, जिसकी वजह से क्रियांश जो है ऊंचाई पर था और वहाँ जो है उसको कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। हम सभी ने दर्शन कर लिया था दूर से ही, लेकिन हम सभी चाह रहे थे, स्पेशली हमर जिया जो है चाह रहे थे कि सामने से बांके बिहारी जी का दर्शन करे। तो हमर जिया जो है अंदर चले गए दर्शन करने के लिए, और जब यहाँ गए तो जितनी बाहर भीड़ थी जी उससे लगता है लगभग 4 गुना 5 गुना भीड़ जो है अंदर थी, क्योंकि यहाँ पर जगह कम था और लोग काफी ज्यादा थे। और जिया चाह रही थी कि यहाँ पर आ गए हैं तो भगवान को चढ़ाया हुआ फूल उनको मिल जाए, तो इसके लिए जो हम इंतजार किए, और धन्यवाद गुरु जी का जिन्होंने जो है वह फूल भी हमें दे दिया। तो चलो हो गया, इधर से। तो मंदिर से हम दर्शन करके बाहर आ गए जी, और इतनी ज्यादा भीड़ थी पिछले मत, सब भीड़ में मुझे ये मिल गया। तो हम लोग जो 100 रुपए की पर्ची कटा के अंदर गए थे, वहाँ भी इतनी भीड़ थी पिछले मत, किसी किसी को दे रहे थे बिल्कुल। तो हमने रिक्वेस्ट किया की गुरु जी एक दे दीजिए, पत्नी महारानी है बगल में, तो उन्होंने दया किया तो दे दिया। तो अभी हम लोग आए एक शॉप पे, यहाँ पे मम्मी ले रही है अपने लिए एक लड्डू गोपाल, अपने लिए तो मम्मी के पास तो है ही, रिया की एक फ्रेंड बोली है कि तो उसके लिए मम्मी ले रही है। तो वेट कर रहे हैं इधर, हमारा लल्ला हवाई मचा के रखा है। लल्ला क्या कर रहे हो भैया? ये सारा दुकान को देख रहे थे, निहार रहा है कैसा है नहीं है। तो हमने ये वाला लड्डू गोपाल पसंद किया, ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा है, और भैया ने इसे अपना ड्रेस भी पहना दिया है, बहुत प्यारा। राधे राधे बेटू, राधे राधे।
तो अभी बज रहे थे रात के 8। जो भी सोचे थे दर्शन करना वो सबको दर्शन जो है हम लोग कर चुके हैं। वैसे है तो यहाँ बहुत कुछ दर्शन करने के लिए, लेकिन दिक्कत यह है कि पास में थोड़ी समय की कमी है, जिस वजह से जो है सब कुछ को एक्सप्लोर कर पाना मुश्किल है। और क्रियांश का जो है जन्मदिन भी आ रहा है 16 मई को, तो उसका भी इंतजाम करना है, कार्ड छपने देना है, उसके बाद रसोई ठीक करना है। अभी सब सारा काम बचा हुआ है डेकोरेशन और सब कुछ का, तो कटिहार तो हम लोगों को निकलना पड़ेगा। हम लोगों का यहाँ पर रहा हुआ शायद आज 3रा दिन हो चुका है, तो 3 दिन हम लोग रहे, टूर का 8वां दिन घर से निकला हुआ 8वां दिन। छोटे बच्चे के रहते हुए सब कुछ एक्सप्लोर करना जो है थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसलिए जो है थोड़ा ठहर ठहर के ट्रेवल किया ताकि क्रियांश को कोई भी दिक्कत नहीं आए। हमें पूरा एक्सप्लोर करने के लिए अभी कह सकते हैं कि और भी 2-3 दिन का समय चाहिए था, जो कि हमारे पास अभी है नहीं। क्रियांश हो रहा है अभी परेशान ही आएगा अपने पापा के पास, मेरे पास आता है तो मेरा बाल ही खींचने। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर लाले हैं, देख सकते हैं आप कितना प्यारा प्यारा सा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, क्रियांश को लगता है भूख तो नहीं क्योंकि दूध को हमने अभी तुरंत ही पहला दिया। तो यहाँ क्रियांश के लिए बयान लिया जा रहा है, कितने का है? 10 का है। स्माइली दे दो मेरा खाने वाली स्माइल करते रहेगा। ये ले, सिर्फ छोड़ना मत, जो दीजिएगा नहीं छोड़ देगा, भाग जाएगा। उंगली मार दीजिए, उंगली। हाँ, तो मेरा बेटा हो गया खुश, इसके हाथ में स्माइली बांध दिया, अभी ये स्माइल करता रहेगा। ये बेटा स्माइली बांध दिया, अभी ये स्माइल करता। तो अभी हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से प्रेम मंदिर के पास हमारा होटल है, तो हम लोग पैदल जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल से प्रेम मंदिर पैदल जा रहे हैं। और क्रियांश जो अपना कुछ खा लाए भैया। घूम फिर करके आ गए जी, और अब लगी है बहुत ही तेज भूख, तो जल्दी से कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। और मुझे तो मन कर रहा था कुछ यूनिक सा चीज खाने का, जैसे कि यहाँ पर चाट मिल जाता है, पता नहीं यहाँ का चाट मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाया और सब जगह, लेकिन यहाँ का चाट का कुछ मुझे अलग ही स्वाद लगता है, तो सोच रहा था कि वो खाएंगे, लेकिन वहाँ 1 किलोमीटर दूर है जो दुकान देख रहा था मैंने अच्छा जैसा, तो इसलिए जो है अभी उसको इग्नोर करते हैं, खाना लेते हैं, रोटी दाल सब्जी चावल जो भी। आज हम लोगों का मथुरा में है 4th दिन, और हम लोग जो है अभी जाने वाले हैं सीधा यहाँ से गोकुल। तो गोकुल जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आसपास का जो भी चीज है वहाँ पर हम लोग जा करके एक्सप्लोर कर सके। वैसे हमारा तो प्लान था कि आज हम निकल जाए, लेकिन हम लोग सोचे कि अब यहाँ आ ही गए हैं तो एक दिन और रुक जाते हैं, ऐसा नहीं कि मन में कसक रहा था। हम लोग जो वहाँ गए थे बस वो चीज बाकी रह गया, वो चीज छूट गया। क्रियांश भी नहा चुका है, बस क्रियांश को अपना जो है ड्रेस पहनना है। यहाँ पर जो है लड्डू गोपाल दोनों तैयार हो चुके हैं, तो सभी लोग यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, सभी लोग तैयार होकर के गाड़ी में आ गए हैं और यहाँ से अब सीधा चलते हैं गोकुल, ज्यादा देरी नहीं करते हैं क्योंकि और बेटा रेडी नहीं हुआ देख लीजिए। हाँ, तो उसके लिए जो है कपड़ा रास्ते में एक्सचेंज किया जाएगा क्योंकि बड़ा आ गया है, तो फिर उसको छोड़ डालना है। तो यहाँ से गोकुल 2 मिनट का रास्ता दिखाया जा रहा है, और इतना बेहतरीन रास्ता है ना कि एकदम जैसे गलियों से गुजरते हैं ना, रोड लगता ही नहीं है शहर जैसा है। और इधर पर इधर ड्राइव कर रहे हैं, बस अब पहुंचने वाले हैं। पीछे जो हमारा बेटा शैतानी किए जा रहा है, चाबी को नीचे फेंकता है फिर उठा के दो, उसका बस यही काम है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्या है जी दर्शन को लेकर के, कि मंदिर जो है 12 बजे तक ही खुला रहेगा। हाँ। तो हम और टाइम हो चुका है ऑलरेडी 11:30, देखते हैं मंदिर के अंदर हम लोगों को अगर घुसा दिया जाए 12 बजे से पहले तो शायद आधा घंटा भी दर्शन करने मिल जाए, तो उसी आस में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग जो है गोकुल गांव पहुंच गए हैं और यहाँ पर गाड़ी को जो है पार्क में लगा दिया है, तो रमन रेती और गोकुल कोशिश कर रहे हैं कि दोनों हम लोग घूम ले। हाँ बताओ ना, कृष्ण भगवान की जो भी खरीदारी करना है उसको गोकुल में कर लेना, यहाँ कोई खरीदारी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सीधा दर्शन करने के लिए चलना है। तो वो भाई साहब है वो कह रहे थे हम ब्रिजवासी ब्राह्मण है, हम आपको घुमा देंगे, रमन रेती और गोकुल दोनों जगह दर्शन करा देंगे, आपको जो इच्छा हो दान कर दीजिएगा। तो हम कहे चलिए कोई बात नहीं कर लेते हैं, तो चलते हैं क्योंकि हम लोगों के हाथ में समय कम है और कुछ पता है नहीं हमें, तो ये भाई साहब अगर मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लाइन है। हाँ चलो चलो चलो, चल रहे हैं जी अंदर। ये है रमन रेती और पूरा जो यहाँ देखते हैं सरफेस, इसके ऊपर कालीन बिछाया हुआ है। तो बेटी और पापा दोनों ने जो है राधे राधे वाला टी शर्ट पहन लिया है और चल रहे हैं अंदर, ऐसे दर्शन करने मिल जाएगा, थोड़ा कष्ट उठा भाई, लेकिन सच में मजा आया हमको। इधर सारी माताएं देख सकते हैं, देखो वहाँ नीचे लेटते हैं सारे गोकुल, मिट्टी में पूरा लेट लेट के गोकुल की मिट्टी का आनंद लेते हैं। Yeah.
हम लोग का पूजा पाठ हो गया जी, और पूजा पाठ करके जो है अब हम लोग जाने वाले हैं गोकुल। चलिए तो हम लोग चलते हैं गोकुल, कह रहे वहाँ पर आराम से पूजा हो सकता है। और यहाँ जी बहुत मजा आया, कल इस्कॉन में हम लोग इस तरह से डांस किए थे, और अब यहाँ पर यहाँ दंड प्रणाम दे रहा है शायद सर। मिट्टी से खेलेगा ये? ये रमन रेती है, भगवान श्री कृष्ण लूट लगाने के लिए आया करते थे। जब भगवान कृष्ण बालक, भगवान ने लूट लगाया है तो जगह का नाम पड़ा है रमन रेती। ब्रज में क्यों ना यमुना पान, और लूटो नहीं ना रमन रेत, और ब्रज का तत्व जाना नहीं है मूर्ख सबसे बड़ा महान। इस ब्रज में आयो तो आपको लूटना ही पड़ेगा, जो भी आप लूटते हो, जो भी आपका कष्ट दुख दूर होता है वो सब इसी में दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि बना रहता है, इसलिए यहाँ पर सभी लोग लूट रहे हैं। बोलो रमन बिहारी लाल की जय। ये भगवान का एक तरह से बन है, सभी देखो साधु संतों की कुटिया बनी हुई है सामने। अच्छा क्या है, साधु संतों की कुटिया है आगे? वो देखिए सब आश्रम टाइप का। अच्छा, ये बोलो राधा रानी की जय। गोकुल के लिए प्रस्थान करेंगे, बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। हम लोग आए थे जी जन्माष्टमी के समय, और एक बार सोच रहे हैं यहाँ का माहौल देख करके कि होली में भी एक बार जरूर आया जाए, तो यहाँ पर काफी मन लगा जी। कल हम लोग गए थे इस्कॉन मंदिर, वहाँ भी कुछ ऐसा ही माहौल था, और यहाँ पर जब आए रमन रेती, यहाँ भी कुछ ऐसा ही माहौल था। तो यहाँ अरे बिल्कुल इसको छोड़ देते लौटने हमारे बाल गोपाल को। तो अच्छा हुआ कि हम लोग पहले आ गए, वरना हम लोग का एंट्री नहीं हो पाता यहाँ पे। हम लोग को बंद कर दिया, बाहर नहीं जाने देगा, बाहर नहीं जाने देगा। तो इस वाले गेट से हमें एंट्री नहीं मिली, एग्जिट नहीं मिला। तो हम लोग दूसरे गेट से एग्जिट करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं जी, और देख सकते हैं यहाँ पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है तसल्ली से रुकने का जगह है, ज्यादातर लोग हम लोग प्रेम मंदिर जन्मभूमि उधर चले जाते हैं, इधर नहीं आते हैं। लेकिन अब जो है अगली बार जब भी आएंगे तो यहाँ जरूर आएंगे, और अच्छे से समय बिताएंगे। आप लोग कहाँ से है? बिहार से है? छपरा से है? वाह, हम कटिहार से हुए। तो वो सब घूम लिए प्रेम मंदिर सब? अभी नहीं घूमे हैं। अच्छा, तो गेट बंद होने वाला है आगे वाला, तो जल्दी से हम लोग दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं। और ये मम्मी पीछे रह गया, ये आराम से, ये बेटा वहाँ पर है मोलू के हाथ में, पूछ रही थी बेटा कहाँ गया। श्री कृष्ण मिल गया, अब हम लोग निकासी कर रहे हैं। निकासी हो गया, चलिए। नहीं नहीं नहीं, सबको निकाला जा रहा है, छह गार्ड लगे हुए हैं, इसे कैसे चले जाना चाहिए। चलिए हट जाइए, सामने चलिए। तो रमन रेती में तो घुमा हुआ हो गया जी, अब यहाँ से हम लोगों को जाना है गोकुल। जिया और जिया की मम्मी मोलू क्रियांश सभी लोग गेट पर ही, हम चल रहे हैं यहाँ से गाड़ी लेकर के, और गाड़ी लेकर के चलते हैं। पार्किंग का पर्ची भी अभी तक नहीं कटवाया है, जाते समय ही कटवा लेंगे। तो हम लोग जा रहे थे जी, मोलू आ गया टहलते टहलते इधर घूमने के लिए, तो देखा कि यहाँ पर हिरन है, देख सकते हैं कितने खूबसूरत से हिरन है यहाँ पर। ओ हो, उधर भी क्या मस्त नजारा है, बारह सिंघा सब भी लग रहा है क्या यहाँ पर? एक ऑस्ट्रिच है, और यहाँ पर जो है शायद अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर हैं जानवर, जैसे कि नीलगाय हो गया, हिरन, शुतुरमुर्ग, और भी कुछ है यहाँ पर, और हाथी है। हाथी है? हाँ। हाथी का अलग ही एक बना हुआ है। हाँ। यहाँ देखिए ना, हिरन एक साथ बैठा झुंड में है, पूरा फैमिली बैठा है। वाह, ओहो, ओए क्रियांश, ये देखिए, ओए क्रियांश, दो चीज किताब में पढ़ेगा वो सामने से भी देख रहा है। हेलो भैया। हाँ, डी फॉर डियर।